हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं, समाकलन, आप स्क्रीन पे दिख रहा है। समाकलन टॉपिक जो आपका है वो हम लेके चलेंगे, और अपना जो टारगेट रहेगा वही जो मैं बार बार कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो पोर्शन है वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सेकंड ग्रेड आरपीएससी का जो सिलेबस है वो यहाँ पर हम कवर करेंगे, और पूरे टॉपिक जो भी आपके पास सिलेबस में है, चाहे वो 10th क्लास के हैं, 12th क्लास के, यानी 10th क्लास के टॉपिक हैं, 11th क्लास के टॉपिक हैं और 12th क्लास के टॉपिक हैं, और प्लस जो बीएससी के टॉपिक हैं, इन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे इस क्लास में। और आप सब इससे जुड़ जाइए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, तो कंटिन्यू हमारी क्लास जो है वो रहेगी। ओके, चलिए तो अब शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं वेस्ट करेंगे और जल्दी से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है समाकलन, यानी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है इसको समझेंगे, इस जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम कवर करने वाले हैं। देखिए, इंटीग्रेशन एक फलन, जैसे एक फलन है मेरे पास में एफ एक्स, कोई भी फलन है आपके पास, और उस फलन का जैसे हम अवकलन करते हैं, और उस अवकलन का जो रिवर्स प्रोसेस है, आप यहां देखोगे रिवर्स प्रोसेस यानी विपरीत प्रक्रिया। समाकलन अवकलन की एक विपरीत प्रक्रिया है, और यदि एक फलन एफ एक्स है मेरे पास में और इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, जैसे डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, एफ एक्स एक फलन है, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर मुझे एफ एक्स एक फलन मिलता है, ठीक है। तो अगर इसी का वापस से अगर हम रिवर्स करें तो वापस हमें वही फलन मिल जाएगा। जैसे एफ एक्स यहाँ पर है और इसका मैंने समाकलन कर दिया, तो मुझे वापस से वही फलन मिल जाएगा और प्लस सी और आ जाएगा। सी यहाँ पर क्या है, एक कॉन्स्टेंट है जिसको हम कहते हैं समाकलन नियतांक। समाकलन नियतांक, समाकलन नियतांक क्या कह सकते हो इंग्लिश में हम कहेंगे, तो इसको कहेंगे इंटीग्रल कांस्टेंट। इंटीग्रल कांस्टेंट इसको हम समझ के चलेंगे, ठीक है। और यहां आप देखो परिभाषा आपके सामने है, आप देख पा रहे हो कि यहां एफ एक्स, जैसे मैंने इसका समाकलन किया, मेरे पास में एफ एक्स आ गया। एफ एक्स क्या है, जो पूर्व जो फलन था जिसका अवकलन हुआ था वही वापस से हमें यहाँ पर मिल गया है, वही यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया है। जैसे कोई भी आपने, सपोज आपके पास में एक एक्स स्क्वायर एक फलन है और उसका आपने एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। अब जैसे ही आपने इस 2x का पुनः समाकलन किया है तो आपको क्या मिलने वाला है, 2 बाहर आ जाएगा। एक्स का आप समाकलन करोगे तो एक्स का समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और प्लस सी कोई कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ये 2 2 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस सी। सी जो यहाँ पर मेरे पास में कांस्टेंट है वो आपके पास में किसी भी तरह की इसकी प्रवृत्ति हो सकती है, ये नेचुरल नंबर भी हो सकता है, ध्यान रखना, ये एक इंटीजर भी हो सकता है और ये एक काल्पनिक भी हो सकता है, ये याद रखने वाली बात है, इसको ध्यान रखना। सी जो है वो कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी इंटीजर भी हो सकता है ये। और इसके अलावा ये एक इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है, यानी एक काल्पनिक संख्या भी हो सकती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और समझेंगे इसको। जैसे मेरे पास में एक जो सी कांस्टेंट है, इसी की प्रवृत्ति को और इसी को समझने की हम कोशिश यहां पर करेंगे। कोई भी फलन, जैसे आपने एक्स स्क्वायर है, अभी देखो एक्स स्क्वायर का जैसे आपने अवकलन किया तो मुझे क्या मिल गया, 2x मिल गया। अब जैसे ही आपने इस 2x का समाकलन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस सी मिल जाएगा। सी यहाँ सारे कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जितने भी जो कॉन्स्टेंट है वो जो भी पूर्व में रहे हों वो हमें नहीं पता, तो इसलिए हम सी यहाँ पर काम में लेंगे, जिसको हम समाकलन नियतांक कहते हैं। जैसे आप दूसरे उदाहरण में देख पा रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का जैसे ही आपने अवकलन किया तो मुझे 2x मिल गया, क्योंकि कॉन्स्टेंट है उसका अवकलन हमेशा जीरो होता है। अब यहाँ पर जैसे ही आपने 2x का आपने समाकलन किया तो यहां पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर तो मिल जाएगा, यहां पर थ्री नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसकी जगह हम सी को लिखते हैं कि सी इसको रिप्रेजेंट करेगा यहां पर। इसी तरह से आप अगले उदाहरण में देखोगे यहां पर कि एक्स स्क्वायर माइनस 9/7 लिखा हुआ है, इसका भी आप जैसे ही अवकलन करते हो आपको 2x मिल जाएगा, और 2x का जैसे ही आप समाकलन करोगे प्लस सी हम लिखेंगे, क्योंकि पूर्व में जो फलन में आपके पास में जो भी कॉन्स्टेंट था वो हमें नहीं पता है कि पूर्व में क्या कॉन्स्टेंट था, तो इसलिए हम इसकी जगह सी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां आप देखोगे कि 2x का
जैसे भी आपने समाकलन किया है उन सब का एक्स स्क्वायर प्लस सी ही मिलने वाला है फलन। और यहां पर आप देखोगे कि जितने भी कांस्टेंट आपने लिए हैं साथ में उन सब का अवकलन जो मिला है आपको वो सभी का अवकलन जो है वो एक जैसा ही है, यानी यहां पर 2x है, 2x मिल गया, 2x मिल गया, 2x मिल गया, 2x मिल गया। पर जैसे ही हमने इसका समाकलन किया है आपको हर बार एक्स स्क्वायर प्लस सी मिलेगा। सी यहां पर इन सब कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे यहां पर कांस्टेंट नहीं था तब भी 2x मिला था, 3 कांस्टेंट है तब भी 2x मिला है, -9/7 है तब भी 2x मिला है, पाई यहां पर कांस्टेंट है तो भी हमें 2x मिला है, और माइनस का जैसे यहां पर, अब ये देखिए ये एक क्या है, इमेजिनरी नंबर है, यानी रूट -3 का मतलब होता है √3 आयोटा, ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो यहां पर हम पता चल गया हमें कि जो सी है सी की प्रवृत्ति कैसी है, सी इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, सी इंटीजर भी हो सकता है, यानी ये नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, सी जो है वो रियल नंबर भी हो सकता है, यानी यहाँ पर रैशनल और इरेशनल दोनों आ जाएंगे, वो भी इसका हो सकता है। तो ये सी की प्रवृत्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने उदाहरण यहाँ पर लिए हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला आपके पास में है मानक समाकलन, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, यानी कुछ फॉर्मूले हैं जो अवकलन से सीधे की सीधे हम समाकलन में लिखेंगे और उनको हमें अच्छे से याद रखना है भाई। ठीक है, जैसे एक सीधा सा एक फॉर्मूला है आपके पास में, आप देखोगे कि एक सीधा फॉर्मूला यहाँ पर हम लेते हैं कि जैसे आपने एक कॉन्स्टेंट है उसका आपने अवकलन किया तो आपको रिजल्ट मिलेगा जीरो, और जैसे ही आप इस जीरो का समाकलन करोगे तो आपको कांस्टेंट मिलने वाला है सी। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपके पास में एक वन है, इसका आपने कांस्टेंट ही है और इसका भी जीरो ही मिलेगा, और बिल्कुल ऐसे ही वन का जैसे ही आपने यहाँ पर समाकलन किया है तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा और प्लस सी एक कांस्टेंट और आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ही आपने अवकलन किया एक फलन का, एक फलन ले लेते हैं कोई भी, जैसे x टू दी पावर n है, x टू दी पावर n का जब हम अवकलन करते हैं तो हमें मिलता है n x टू दी पावर n माइनस वन, यही होता है फॉर्मूला। और जैसे ही मैं n x टू दी पावर n माइनस वन का समाकलन करूंगा तो मुझे मिलेगा, यानी मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा x टू दी पावर n प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ठीक है, जैसे इसमें क्या हुआ कि पावर पहले आ गई और एक पावर कम हो गई, तो वैसे ही यहाँ समाकलन में क्या होगा कि एक पावर बढ़ जाती है और अपॉन में आप उतने का ही डिवाइड यहाँ पर करोगे, तो ये याद रखना है। बिल्कुल इसी के आधार पर इसका मैंने यहाँ पर निकाला है। इसी तरह से अगला जैसे हम सूत्र देखें कि ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स का अवकलन ई टू दी पावर एक्स से होता है, अवकलन हम पहले ही पढ़ चुके हैं अच्छे से, और बिल्कुल इसी तरह से ई टू दी पावर एक्स का जैसे ही आप समाकलन करोगे तो e टू दी पावर x प्लस सी आएगा। सी जरूर लगाना है क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं अभी, अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, जब हम निश्चित समाकलन पढ़ेंगे तो उसमें हम c को काम में नहीं लेंगे क्योंकि वहां पर हम लिमिट काम में लेंगे। तो ऐसे ही e टू दी पावर x में e टू दी पावर x का जैसे ही आपने अवकलन किया तो e टू दी पावर x आ गया, और e टू दी पावर x का समाकलन भी e टू दी पावर x ही होता है। ए टू दी पावर x का अवकलन हम करते हैं तो हमें मिलता है ए टू दी पावर x इंटू log ea। ठीक है, और जैसे ही मैं ए टू दी पावर एक्स का समाकलन करूंगा तो मुझे मिलेगा ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी कॉन्स्टेंट, ये भी याद रखना है। इसी तरह से लॉग एक्स का जैसे आप अवकलन करते हो तो लॉग एक्स का अवकलन वन अपॉन एक्स होता है, और वन अपॉन एक्स का जब आप समाकलन कर दोगे तो वापस से लॉग एक्स मिल जाएगा, यानी विपरीत प्रक्रिया है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो अच्छे से। और देखते हैं जैसे उदाहरण, इसके अलावा सेवन नंबर फॉर्मूला लिखते हैं अपन यहाँ पर, जैसे मैं अवकलन करता हूँ साइन एक्स का, साइन एक्स का अवकलन हमें मिलता है कोस एक्स, और जैसे ही आपने कोस एक्स का समाकलन किया तो ये मिलेगा साइन एक्स प्लस सी। बिल्कुल इसी तरह से ये फॉर्मूले वैसे आप सबको याद ही है, जब तक आप तैयारी कर रहे हो सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तो मुझे उम्मीद है आप सबको याद ही ये फॉर्मूले, बट फिर भी क्या है कि एक बार क्विकली रिविज़न कर लीजिए, और अगर आपको थोड़ा सा आप स्पीड भी बढ़ा के देख सकते हो। तो कोस एक्स का जैसे हम अवकलन करते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है, और साइन एक्स का अगर मैं समाकलन करूंगा तो मुझे माइनस का कोस एक्स मिलेगा, ये याद रखना, प्लस सी। और इसी तरह से टेन एक्स का जैसे आप अवकलन करते हैं तो हमें मिलता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का जैसे ही हम
समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा टेन एक्स प्लस सी। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कोटेक्स का आपने अवकलन किया तो आप सबको पता ही है कोटेक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है फॉर्मूला, और कोसेक स्क्वायर एक्स का जैसे ही हम करते हैं समाकलन तो माइनस का कोटेक्स प्लस सी मिलने वाला है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे सेक एक्स का अवकलन हमें हमारे पास होता है सेक एक्स टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन हम करेंगे तो हमें मिलेगा पुनः सेक एक्स प्लस सी। बिल्कुल इसी तरह से कोसेक एक्स का अवकलन जब हम करेंगे तो कोसेक एक्स का अवकलन होता है मेरे पास में माइनस का कोसेक एक्स कोटेक्स, और कोसेक एक्स कोटेक्स का जब आप समाकलन कर रहे हो तो आपको मिलेगा माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी प्लस सी। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा जो इनवर्स के फॉर्मूले हैं वो भी हमें याद रखने हैं, वो भी हम लेके चलते हैं। जैसे साइन, पहले डेरिवेटिव कर रहे हैं तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। और जैसे ही हम वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इसका समाकलन करेंगे तो मुझे मिलेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। माइनस में लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, हमें पता ही है फॉर्मूला जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही डेरिवेटिव में। और इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का जैसे ही मैं इंटीग्रेशन करता हूँ समाकलन करता हूँ तो मुझे मिलेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 15 नंबर कि डी अपॉन डी एक्स आपने सेक इनवर्स एक्स का और याद रखना है। देखो साइन और कोस का माइनस का ही होगा, ध्यान रखना बस माइनस का डिफरेंस आएगा, और इसी तरह से टेन और कोट में भी माइनस का आ जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और जैसे ही हम इसका समाकलन लेंगे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स वो हमें मिलेगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। आप क्विकली यहाँ पर हमने रिवीजन कर लिया जल्दी से रिवीजन करने का मतलब यही था कि जल्दी से हमें एक बार इनको देख लें ताकि जैसे ही हमारे पास क्वेश्चंस में आएंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चीज़ें बहुत आसानी से हम लेके चल रहे हैं, बहुत आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बेसिक से हम यहाँ पर लेके चलें और आगे हायर स्टैंडर्ड तक हम चीज़ों को लेके चलने वाले हैं। देखिए आगे वाला जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है मेरे पास में कि एफ एक्स एक ए एक्स प्लस बी का समाकलन करते हैं, तो जैसे ही हम इसका समाकलन करेंगे तो जो भी एक्स के साथ में कांस्टेंट है वो हमेशा अपॉन में आ जाएगा, ये याद रखना है। जैसे देखो यहाँ आप देख पा रहे हो परिभाषा में कि जैसे मैंने एफ एक्स का अवकलन किया तो एफ एक्स आ जाएगा, और इसका जैसे ही अवकलन करते हैं तो अवकलन में क्या होता है कि जो भी टर्म एक्स के साथ कांस्टेंट होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। ठीक है, बट जैसे ही हम समाकलन करेंगे तो वो अपॉन में आ जाएगी, ये याद रखना है। जैसे एक उदाहरण लेता हूँ मैं, चलिए उदाहरण लेते हैं कि मेरे पास में एक टर्म है, सपोज आपके पास में है e टू दी पावर 2x, और जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो क्या मिलता है आपको e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही होता है, हमें पता है, और 2x का भी करेंगे हम चेन रूल से तो 2x के लिए 2 बाहर आ जाएगा। तो आपने देखा कि जैसे ही x के साथ में जो कांस्टेंट टर्म थी वो क्या आ गई, मल्टीप्लाई में आ गई। अब जैसे ही मैं इसका समाकलन करता हूँ e टू दी पावर 2x dx तो क्या आएगा, देखिए e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है समाकलन। अब अपॉन में ये जो टर्म है ये 2 आ जाएगी प्लस c आ जाएगा। 2 आया कहाँ से, ये 2 आता है प्रतिस्थापन विधि से। जब हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे अगले वाले टर्म में तो आपको ये क्लियर आ जाएगा। प्रतिस्थापन विधि जब हम पढ़ते हैं यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसके आधार पर हम इसको देख पाते हैं। जैसे देखो मैं उदाहरण लेता हूँ, एक इसी को मान लेते हैं कि माना 2x को मैं t मान लेता हूँ एक बार, और t से मैंने इसका प्रतिस्थापन कर दिया, और यहाँ पर जैसे ही आप इसका अवकलन करोगे तो ये 2 dx is equal to dt आ जाएगा, और dx is equal to क्या आएगा 1 by 2 dt आएगा। अब आप इसको रिप्लेस करिए तो ये e to the power t आ जाएगा, और dx की जगह 1 by 2 dt लिखोगे आप तो 1 by 2 तो पहले ही बाहर आ गया और e to the power t dt आ गया, और 1 by 2 e to the power t को हम e to the power t plus c लिख लेंगे, और 1 by 2 e to the power t की जगह वापस से क्या लिख लेंगे e to the power 2x plus
सी, ये आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से ये टू जो है वो बाहर अपोन में आ जाता है इंटीग्रेशन में, और डेरिवेटिव में जो भी कॉन्स्टेंट है वो मल्टीप्लाई में आता है, ये याद रखना। अभी छोटी सी बात है पर इंपॉर्टेंट है याद। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन ऐसे कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन आते हैं, जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे तो इतना एम सी क्यू जब आपके पास आते हैं ए बी सी डी, तो उसमें इतना कन्फ्यूजन होता है कि वो पास पास के ऑप्शन होते हैं, कई बार जल्दबाजी में हम क्या करते हैं गलती कर देते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है भाई, ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, चलो इसको याद और अच्छे से तैयार हो जाए अपना। एक और उदाहरण जैसे डेरिवेटिव कर लेते हैं, साइन 2x है मेरे पास, तो साइन 2x का जैसे ही आपने डेरिवेटिव किया आपको मिलेगा कोस 2x, और 2x का 2 बाहर आ जाएगा। अब जैसे ही मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, समाकलन करता हूँ साइन 2x का, तो ये मिलेगा माइनस का कोस 2x होता है समाकलन, अभी मैंने फॉर्मूले में देखा है, और अपोन में 2 आ जाएगा प्लस सी आएगा। सी जरूर लगाना है भाई। एक बार एक और क्वेश्चन आया था जिसमें ऑप्शन सारे सही थे, तीनों ऑप्शन सही दे रखे थे, पर एक ऑप्शन ऐसा था जैसे एक ऑप्शन बी ऑप्शन दो तो बिल्कुल ही गलत थे, तीसरे ऑप्शन बिल्कुल सही था पर उसमें सी नहीं लगा रखा था, और डी वाले ऑप्शन में लिख रखा था नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, तो ये वाला ऑप्शन उसमें सही हुआ क्योंकि सी जो था उसमें सी नहीं लगा रखा था, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट यूज नहीं कर रखा था, तो इसलिए वो गलत माना जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट आपके पास में टॉपिक आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ के चलते हैं। अगला टॉपिक है आपके पास में समाकलन की विधियां, इसको समझ के चलते हैं। समाकलन की विधियां कौन कौन सी है इसको समझते हैं। समाकलन की मुख्य रूप से हमारे पास में तीन विधि है, एक है प्रतिस्थापन विधि जिसको हम स्वतंत्र चर समाकलन भी कहते हैं, दूसरा है खंडशह समाकलन, और तीसरा है परिमेय फलनों का आंशिक वियोजन करके यानी पार्शियल फ्रैक्शन। तो तीन तरह के अपने पास में यहाँ पर विधियां है। एक है आपका बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको याद रखना है, ये वर्ड याद रखना है, प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है बाय पार्ट्स करके है, और तीसरा है आपके पास में पार्शियल फ्रैक्शन। इन तीनों को हम पढ़ेंगे और इन तीनों से संबंधित क्वेश्चन हम करने वाले हैं, पर सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपकी पहली वाली विधि जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी या इसको ऐसे भी बोल देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या है कि आप क्या करोगे कि सीधे तौर पर समाकलन नहीं होगा, तो आप क्या करोगे कोई भी एक प्रतिस्थापन उसकी जगह ले आओगे, यानी एक रिप्लेस कर दोगे उसको, एक दूसरे से दूसरे अवयव से उसको रिप्लेस कर दोगे, और रिप्लेस करने के बाद में आसानी से उसका समाकलन हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेता हूँ मैं, देखो एक सामान्य सा उदाहरण लेते हैं और इससे आपको समझ में आ जाएगा। कई बार क्या होगा देखो मैं आपको बताऊँ, एक तो ऐसा आएगा कि उसका अवकलन मौजूद होगा, जैसे इसको थोड़ा सा और समझते हैं डिटेल से, कि एक ऐसा समाकलन विद्यमान होगा कि जैसे एफ एक्स एक है और एफ डैश एक्स, इसका अवकलन पहले से विद्यमान होगा, तो आप क्या करोगे इसको एफ एक्स को टी अज्यूम करके इसको रिप्लेस कर देंगे, यानी इसको क्या करेंगे प्रतिस्थापित कर देंगे किसी अन्य चर से टी से प्रतिस्थापित कर देंगे। तो अब इसका जैसे हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा और डी एक्स आ जाएगा और इजिकल टू क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा, तो ये क्या बन गया टी डी टी बन गया, यानी ये जो पूरा था इसको आपने रिप्लेस कर दिया डी टी से, तो ये टी डी टी बन गया, और टी को हम जब समाकलन करेंगे तो ये बनेगा टी स्क्वायर बाय टू प्लस सी बन जाएगा, यानी आपके पास में टी स्क्वायर बाय टू आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस से वन बाय टू, और ये एफ एक्स जो आपने लिया है इसका पूरे का स्क्वायर प्लस सी, इस तरह से हम करने वाले हैं, जो बहुत आसान है, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई भी यहाँ पर फंक्शन मिल रहा है जिसका आपको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो उसमें आपको ये देखना है कि उसका अवकलन तो मौजूद नहीं है, जहां भी अवकलन मौजूद है उसी को हम क्या करेंगे टी अज्यूम कर लेंगे और उसका सब्स्टिट्यूशन टी से उसको क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है, और फिर एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करके, और उसका अवकलन जो पहले से मौजूद है फंक्शन में उसकी जगह पुट करके हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे उनसे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो पहला एक यहाँ पर मैंने लिया है, क्वेश्चन लिया है कि एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर सिक्स एक्स डी एक्स, आपको आसानी से दिख पा रहा है। तो यहाँ आप देखो कि हम किसको टी अज्यूम करें, आप ये देखो इसमें किसको मैं टी अज्यूम करूँ, जैसे इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ समाकलन को एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और डी एक्स लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स क्यूब मैंने लिख लिया
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या करूँ कि एक्स क्यूब को टी एजूम कर लेता हूँ, कि मान लिया यहाँ पर एक्स क्यूब को हम क्या करें, टी एजूम कर लें, और इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन यानी ओके डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, जो पहले से अपने पास में देखो ऊपर मौजूद है यहाँ पर, ठीक है, इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 dt, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको देखो आराम से कि इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, 1/3 बाहर लिख लेता हूँ मैं, और 1/ ये 1+t² dt बन गया, और 1/1+t² जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, किसका फॉर्मूला था, ये 1/3 ये बन गया tan इनवर्स t का फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स t प्लस c, तो वापस से 1/3 tan इनवर्स और t की जगह जो आपने जो भी रिप्लेसमेंट लिया था वो वापस से पुनः पुट कर दीजिए, तो ये एक्स क्यूब प्लस c आ गया। अब ऑप्शन में देखो कौन सा आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिख रहा है आंसर 4 है, d यहाँ पर इसका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर होगा, 1/3 tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है, आराम से समझ में आ गया है। अगले वाला देखो, नेक्स्ट वाला है, ऊपर क्या दे रखा है न्यूमिनेटर में यानी अंश में क्या दे रखा है, 4x + 3 है, नीचे आपको दे रखा है यहाँ अंडर रूट में, आप ध्यान से देखो कि 2x² + 3x + 1 दे रखा है, तो इसी को मैं t अज्यूम कर लेता हूँ, देखो 2 बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा अपने आप ही, तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अज्यूम इसको ही मैं क्या करता हूँ 2x² + 3x + 1 को t अज्यूम कर लेते हैं। अब रूट जब भी आ जाए तो आप t स्क्वायर अज्यूम करेंगे, जब भी रूट आ जाए तो t अज्यूम करने की बजाय क्या करें, t स्क्वायर करें, तो रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आसान हो जाएगा, तो ये 4x आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है, और dx इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2t dt, देखो कितनी आसानी से हो गया। अब जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसके अंदर रख दो समाकलन ऑफ इस पूरे की जगह जो ऊपर वाली टर्म है इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ 2t dt लिख लेता हूँ, और नीचे अंडर रूट में जब मैं t स्क्वायर लिखूंगा तो t बाहर आ जाएगा, ये t कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और ये dt प्लस c आ जाएगा, तो वापस से आप क्या आ जाएगा 2t प्लस c आ जाएगा, और t का मान वापस से रख दो क्या आ जाएगा अंडर रूट में आएगा, क्योंकि ये 2 इसका वापस से यहाँ पर रूट बन जाएगा, तो ये 2x² + 3x और प्लस का 1 और प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। चेक करो कौन सा आंसर है इसमें, ऑप्शन में, ऑप्शन में है सी, ऑप्शन है सी, ऑप्शन करेक्ट है, तो चलिए सी लगा देते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, देखिए अगला है आपके पास में क्वेश्चन sec x है और अपॉन में दे रखा है log sec x प्लस tan x, तो इसको कैसे सोल्व करें, log sec x प्लस tan x को आप t अज्यूम कर सकते हो क्या, एक बार देखो लेट अज्यूम करके देखता हूं मैं कि भैया log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x को मैं t अज्यूम कर लेता हूं, तो मैं अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करूंगा यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x, इसका डेरिवेटिव करोगे आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये 1/ क्या आएगा sec x प्लस tan x आ जाएगा, और फिर अंदर भी चलोगे चेन रूल से करोगे तो sec x का क्या होगा sec x tan x हो जाएगा, और फिर प्लस tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x हो जाएगा, dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt, तो यहाँ से ऊपर वाली टर्म से sec x कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा sec x प्लस टेन एक्स बच जाएगा, और अपॉन में भी क्या है sec x प्लस टेन एक्स की टर्म शेष रह रही है, dx इजिकल टू dt, तो यहाँ देखोगे कि sec x tan x कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया ओनली sec x dx इजिकल टू dt, यही तो चाहिए था देखो ऊपर अपने पास में, इसका ऐसा कैसा अवकलन ऐसा कैसा डेरिवेटिव हमें प्राप्त हो गया, तो अपने पास में क्या आ गया 1/t dt बन गया बस ये सीधा ही, और 1/t का क्या होता है log t प्लस c आ जाएगा, और log t की वैल्यू वापस से रख दो जो अपन ने अज्यूम की है, क्या थी log, जब भी log में लिखोगे ना तो मॉडुलस में लिखना भाई, मॉडुलस वाला सही माना जाएगा क्योंकि log x का जो प्रांत होता है ना वो प्लस होता है, ध्यान रखना आप पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है पुराने पहले मैं करवा चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके आप जरूर देखो भाई, सेट का टॉपिक भी करवा चुका हूँ मैं, उसको भी देखो, पिछले सालों के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैं करवा चुका हूँ, तो यहाँ ऑप्शन क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, आंसर आएगा बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास में जिसको अपने पास है कोट एक्स अपॉन लॉग एक्स साइन एक्स, तो यहाँ देखो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको अगर मैं टी अज्यूम करूँ तो क्या मेरे पास में न्यूमिनेटर आ जाएगा,
एक बार करके देखते हैं। चलिए लेट अज्यूम, मान लेते हैं कि लॉग साइन एक्स जो आपके पास है इसको मैंने टी मान लिया, एक बार टी से इसको रिप्लेस कर दिया। सब्स्टिट्यूशन विधि से ही कर रहे हैं, अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कर रहे हैं। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन साइन एक्स आ जाएगा चेन रूल से। साइन एक्स का क्या आएगा, कोस एक्स आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और कोस बाय साइन क्या बन जाता है, कोट बन जाता है, तो कोट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ऊपर वाली जो न्यूमिनेटर की टर्म है वो ऐसी के ऐसी मेरे पास में बन गई है, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं वन अपॉन टी डी टी से। तो वन अपॉन टी का समाकलन क्या होगा, लॉग टी हो जाएगा प्लस सी आ जाएगा। और लॉग और टी की जगह वापस से क्या आ जाएगा मेरे पास में, टी की जगह जो हमने अज्यूम किया है, जो पहले से मान के चले थे, उसको रख दीजिए लॉग साइन एक्स। तो अब ये ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है। तो ये आसानी से अपने पास में आ गया। ओके तो बहुत आसान है, आराम से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपके पास में, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स डीएक्स, इसका आपको समाकलन करना है। देखो आसान सा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स का देखो अवकलन क्या होता है, हम सबको पता है, हम आराम से पढ़ चुके हैं पहले, जानते हैं कि इसी को मैं टी मान लेता हूं, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होगा वो क्या होगा, यहाँ से हम करेंगे तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये आ जाएगा। ये अपने पास में क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है। तो ये ऐसा कैसा हमें मिल गया, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ ताकि आपको बेस जो है वो स्ट्रांग हो जाए। बेस अगर स्ट्रांग हो गया तो आराम से चीजें समझ में आने लगेंगी। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह ये आ गया, तो यहां देखो ये जो पूरी की पूरी टर्म मिल गई है मेरे को, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, आप डी टी लिख दूंगा बस। तो वन अपॉन टी और डी टी बन जाएगा ऐसा कैसा ही। तो वन अपॉन टी का तो समाकलन हमें पता ही है, इंटीग्रेशन पता ही है क्या होता है, लॉग टी प्लस सी हो जाएगा। और लॉग टी को पुनः आप वापस से रख दो, जो टी की वैल्यू आपने अज्यूम की थी वो क्या थी, साइन इनवर्स क्या थी भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब ये आप ऑप्शन में देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ठीक है तो ये भी देखो आसानी से हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फिर भी आपको कोई दिक्कत आए, किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं भाई। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, आगे वाला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, वन प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स डी एक्स, इसका हमें समाकलन करना है, किसके बराबर है ये आपको दे रखा है। तो इंटीग्रेशन करना है, सिंपल है, तो वही आप यहाँ पर देखो इस नीचे वाली टर्म यानी जो आपके पास हर में है, डिनोमिनेटर में है, इसको एक बार थोड़ा सा सोचो कि क्या मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो मुझे न्यूमिनेटर मिल जाएगा क्या। ध्यान से देखो, जैसे वन का मैं करूँगा तो वन मिल, एक्स का करूँगा वन मिल जाएगा, और लॉग सेक एक्स का जब मैं करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टेन एक्स मिल जाएगा आराम से। तो चलिए चलिए इसी को हम क्या कर लेते हैं, एक्स प्लस लॉग सेक एक्स, इसी को क्या कर लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो ये वन आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, और लॉग सेक एक्स का क्या हो जाएगा, वन अपॉन सेक एक्स हो जाएगा, और सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है डेरिवेटिव। तो सेक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये पूरी टर्म आ रही है। तो ये वन प्लस टेन एक्स आ गया ऐसा कैसा, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आप ध्यान से देखो कि पूरा का पूरा न्यूमिनेटर जो है यानी हर अंश जो है वो हमें मिल गया है, डी टी से रिप्लेस हो गया। तो इसको मैं लिख लेता हूँ वन अपॉन टी डी टी ऐसा कैसा आ गया। और वन अपॉन टी का समाकलन हमें पता है लॉग टी प्लस सी, बार बार वही कंसेप्ट आ रही है। एक ही तरह के मैं क्वेश्चन एक बार लेके चल रहा हूँ ताकि आपका बेस जो है वो अच्छे से स्ट्रोंग हो जाए। अब लॉग और टी की वैल्यू वापस से रिप्लेस कर दो आप, तो ये एक्स प्लस लॉग sec x आ जाएगी, log sec x प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। ओके तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप जल्दी से। ओके तो आई थिंक समझ में आया होगा, बहुत आसान से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। अगले वाला देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है, एक्स टू दी फाइव टू दी पावर लिखा हुआ है, रूट एक्स है ऊपर और अपॉन में भी रूट एक्स है। तो मैं क्या करता हूँ, रूट एक्स को ही क्या कर लेते हैं, टी अज्यूम कर लेते हैं, रूट एक्स को ही रिप्लेस कर देते हैं।
रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे होगा आपको पता ही है, मैं बता देता हूं जिनको नहीं पता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, एक्स टू द पावर हाफ ऐसे मान लेते हैं इसको। इसका डेरिवेटिव एक्स टू द पावर एन से ही करते हैं। एक्स टू द पावर एन में क्या होता है, पहले पावर बाहर आ जाती है फिर एक पावर कम हो जाती है, ऐसे लिखेंगे तो वन अपॉन टू रूट एक्स बन जाता है, ये याद रख लेना भाई, ठीक है। तो ये वन अपॉन टू रूट एक्स हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसका सीधा याद रख लेना, ठीक है। तो वन अपॉन रूट एक्स मुझे चाहिए, तो वो ऐसा कैसा रख लेते हैं, टू को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो टू डी टी, तो मेरे पास में ये पूरी की पूरी टर्म बन गई है। तो ये आ जाएगा फाइव टू पावर टी और टू बाहर आ गया और डी टी ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो इसका टू बाहर है और ए टू दी पावर एक्स से, ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है वो क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स अपॉन लोग ए प्लस सी होता है। तो उसी फॉर्मूले से हम इसका इंटीग्रेशन समाकलन कर देंगे, तो ये आ जाएगा फाइव टू दी पावर टी अपॉन लोग फाइव प्लस सी आ जाएगा और टी की वैल्यू वापस रख देंगे, तो टी की वैल्यू वापस रख दो टू आ जाएगा, फाइव की पावर रूट एक्स हो जाएगी और अपॉन में आ जाएगा लॉग फाइव प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखो कौन सा आंसर आ रहा है, पहले वाला आ रहा है क्या, टू आ जाएगा, लॉग फाइव आ गया है नीचे और फाइव रूट एक्स आ गया है प्लस सी, बिल्कुल सही है, यही आ रहा है पहले वाला ही, दूसरे वाला तो हो ही नहीं सकता, तीसरे वाले में हो नहीं सकता क्योंकि मल्टीप्लाई में आ रहा है, मल्टीप्लाई में नहीं करना है। जैसे मैंने बताया था देखो, जब हम फॉर्मूले कर रहे थे मल्टीप्लाई में आता है जब हम डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। अगले वाला देखो, अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं, इससे और क्लियरिटी आ जाएगी अपने पास में क्या है क्वेश्चन। x प्लस वन और अपॉन में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और माइनस थ्री दे रखा है। तो देखो यहाँ जब भी आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको अपने आप ही, देखो इसका डेरिवेटिव जब आप करोगे ना तो आपको अपने आप ही क्या मिल जाएगा, न्यूमिनेटर मिल जाएगा। देखो करके देखते हैं इसका डेरिवेटिव, लेट अज्यूम एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, तो यह आ जाएगा टू एक्स प्लस का टू आ जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसमें से टू कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी और इस टू को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ऐसा कैसा आपके पास में आ गया, एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू। तो ये देखो आपके पास में जो न्यूमिनेटर टर्म थी, अंश में जो टर्म थी वो आपको मिल गई है, अंश का जो पद है वो मिल गया है। तो इसको मैं ऐसे कैसा रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पर, यह आ जाएगा वन अपॉन टी अगेंस और डी टी आ जाएगा, तो वन अपॉन टी का क्या हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा, जो हम पढ़ चुके हैं अच्छे से अभी, लॉग टी प्लस सी, अब तो रट गया होगा, ठीक है। तो लॉग और टी को जो हमने माना है वो आपस से रख दो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स माइनस का थ्री प्लस का सी। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन आ गया यहाँ पर आपके पास, और वन बाई टू भी है, सॉरी वन बाई टू भी है, तो वो भी लगाओ भैया, उसको क्यों छोड़ रहे हो, वन बाई टू भी लगाओ। तो वन बाई टू कौन से में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है, आपका आंसर आ गया ए। तो ये देखो आपकी छोटी सी क्लास थी जिसमें हमने एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि को हमने देखा है, थोड़ा सा इंट्रो देखा है। आगे की जो क्लासें आपकी होने वाली है उस क्लासों में हम कोशिश ये करेंगे आगे की क्लासों में कि अगले वाला जो टॉपिक है उसको कवर करें, दूसरा जो टॉपिक है उसको भी कवर करें, ठीक है, दूसरी विधि जो है उसको हम कवर करके चलें और इसके साथ में जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करें। और मेरा जो फोकस रहने वाला है वो आपका सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम पर रहने वाला है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। जो पिछले सालों में 10 सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, 10 सालों के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो मैं सारे करवाऊंगा, एसआर सैनी के जो क्वेश्चन हैं वो सारे मैं करवाऊंगा, बीएससी का जो पोर्शन है डिटेल से वो मैं करवाऊंगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और कंटिन्यू क्लास होगी ये आप मान के चलिए, 1 जून से 3 क्लासें रोज चलेंगी चैनल पर, तो आप कंटिन्यू इससे जुड़े रहिए। चलिए आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे बता सकते हैं, चैनल का जो टेलीग्राम जो चैनल है अपना उसका भी लिंक हम आपको सब डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो उससे भी आप जुड़ जाइए। और जो आपका हमारा चैनल है गुरु मैथ सेकंड ग्रेड जो है आपका चैनल है टेलीग्राम चैनल, उस पर भी आप जुड़ जाइए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे, उससे आप जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तीनों क्लासें आप रेगुलर लइए, रेगुलर लेते चलिए। देखिए स्टूडेंट, ऐसा मत सोचिए कि अभी तो एग्ज़ाम ही नहीं आई है, विज्ञप्ति नहीं आई है, अभी से क्या तैयारी करें। देखिए एग्ज़ाम जब आएगी, जब एग्ज़ाम आएगी तो उस टाइम तो सभी तैयारी करेंगे,
आप तैयारी कर रहे हैं, फ्रेशर है, चाहे आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, सभी करेंगे। आप अभी से तैयारी करेंगे तब आप उनसे थोड़ा सा एडवांस पढ़ पाएंगे, और एग्ज़ाम आने के बाद में, फॉर्म निकलने के बाद में आपको इतना समय नहीं मिल पाता, और इस तैयारी के लिए आपको पर्याप्त समय की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप, सिलेबस बहुत बड़ा है, विस्तृत सिलेबस है, 10 किताबें तो अकेली BSc की जुड़ी हुई है, आप सबने देखा होगा। फिर उसके बाद में 10th का, 11th का पोर्शन, 12th का पोर्शन भी बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये इस भरोसे मत बैठे रहिए कि वैकेंसी आएगी तभी हम पढ़ाई करेंगे, पहले से ही आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए ताकि समय बर्बाद नहीं हो, और जब हमारे पास वैकेंसी आए तो कम से कम एक बार सिलेबस पूरा कर चुके हों, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।